फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशेरी रसोई। आज मैं आपके साथ नवरात्र स्पेशल में एक और फलाहारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है चौलाई की खीर। चौलाई की खीर मात्र 5 से 7 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे व्रत के बीच में भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा शाही टच दिया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों के लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। चौलाई की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg फुल क्रीम मिल्क। साथ ही हमें जरूरत होगी 25 ग्राम चौलाई की, और ये चौलाई फूली हुई है। ये दानों के रूप में बाजार से आती है और इसे फुलाने के लिए आप इसे रोस्ट कर सकते हैं और ये अच्छे से फूल जाती है। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे, साथ ही ये जो फूली हुई चौलाई है ये भी डाल देंगे। हल्का सा गर्म कर लेंगे। इस तरीके से करने से खीर ज्यादा अच्छी बनती है। और कुछ सेकंड के लिए मैंने चौलाई को देसी घी के साथ गर्म कर लिया है। अब हमारे पास ये जो फुल क्रीम मिल्क था ये डाल देंगे। जिस तरीके से हम 1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें डालेंगे। और मैंने ये 1/2 किलो दूध लिया है, इसलिए मैंने 25 ग्राम चौलाई डाली है। साथ ही हम इसमें थोड़े से धागे केसर के डाल देंगे, जिससे इसमें केसर की अच्छी खुशबू हो जाएगी और कलर भी अच्छा हो जाएगा। 2-3 टेबल स्पून जितनी हम इसमें फ्रेश मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। इससे हमारी जो खीर है बहुत ज्यादा रिच बनेगी और खाने में ज्यादा टेस्टी लगेगी। जैसे ही खीर में अच्छा उबाल आता है, हम इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देंगे। मैंने इसमें करीब 50 से 60 ग्राम चीनी डाल दी है। अगर आप मीठा कम खाते हैं थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं, और अगर अधिक खाते हैं थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं। चीनी के साथ ही हम इसमें ये मिक्स ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिसमें मैंने 5-6 इलायचियां ली हैं, 5-6 काजू और 5-6 बादाम, और थोड़ी सी ली मैंने चिरौंजी। और चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट होता है, वो आपको किसी भी किराना स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। एकदम झटपट बनी हुई इस खीर को एक बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, यानी गोले का बुरादा, और ये भी किसी भी किराना स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए, मात्र 1 मिनट उबलने के बाद ही हमारी जो खीर थी उसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो गया है और खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस खीर को आप ठंडा और गर्म दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं। मात्र 4 से 5 मिनट में हमारी बहुत ही टेस्टी ये खीर बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बस थोड़े से पिस्तों से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे, जिससे देखने में और ज्यादा अच्छी लगेगी। आप इस खीर को व्रत के बीच में भी, जब कई बार भूख लगती है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि कैसी लगी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों के लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं।